सो गुड मॉर्निंग गाइस, रात में ना अपन यहीं पे सो गए थे। ये मुगलिंग के 20-22 किलोमीटर पहले होगा। रात में मेरे को नींद आ रही थी तो मैंने गाड़ी लगा दी यहाँ पे रोड साइड में ढाबे पे, ये देख सकते हो आप, और मैं सो गया क्योंकि नींद बहुत जम के आ रही थी। ये कपड़ा है, कपड़ा मार दी थी गाड़ी पे एक हल्का हल्का। यहाँ पे आप फॉग देख सकते हो। तो पहले ना ब्रश वॉश कर लेते, फ्रेश हो जाते थोड़ा सा, फिर इसके बाद में ये तो होटल पे चाय वाय पी लेंगे। अगर ब्रेकफास्ट का तो कुछ है नहीं सीन अपना, है ना, ब्रेकफास्ट देखेंगे अच्छी जगह, मुगलिंग के बाद ही देखेंगे, नारायण घाट के पास वगैरह देखेंगे। अभी ट्रैफिक बढ़ गया है सवेरे, अभी 8 बज रहा है, ट्रैफिक बढ़ गया है, तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि फिर सिटी में नारायण घाट के पास में जो ट्रैफिक मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलता है। सर के अभी यही से हम फट से चाय वाय पी के निकलते हैं। तो गर्मा गर्म चाय फॉग के साथ, तो देख सकते हो आप 8 बज रहे अभी, है ना, एग्जैक्टली 8 बज के, 8 बजे अपन निकल रहे क्योंकि 15 मिनट आगे है नेपाली टाइम, तो 8 बजे अपन निकल रहे, कोच स्टार्ट हो गई है गाड़ी। रेडिएटर अभी भी थोड़ा सा लीक है क्योंकि पानी कम हो गया था उसमें का, अभी चेक किया मैंने, तो जो प्रॉब्लम है वो तो नागपुर जाके सॉल्व होगा। अपन थोड़ा थोड़ा पानी डालते उसको चेक करेंगे। तो यहाँ से जो नज़ारा देखने वाला है, फॉग बहुत है यहाँ पे अभी, देखते अभी कहाँ फॉग मिलता है, तो चलते यहाँ से। सवेरे का माहौल, मॉर्निंग का 8 बजे का, पूरा फॉग ही फॉग है यहाँ पे, देख सकते हो आप, पूरा फॉग, जबरदस्त वाला फॉग है। और ये सीनरी, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज की तारीख है 29 जनवरी 2024, और यहाँ से मुगलिंग है अराउंड 20 किलोमीटर, तो अपन निकले 8 बजे यहाँ से, तो अपने को शायद यहाँ से 5.5 घंटा दिखा रहा है नॉन स्टॉप का, पर 5.5 घंटा तो नहीं, ज़्यादा ही लगेगा अपने को क्योंकि अपन बीच में तो एक दो स्टॉप लेने ही वाले हैं। तो यहाँ से जो नज़ारा है ना, अपन जस्ट एक रिवर है उसके साइड से पैरेलल ही चल रहे हैं, आपको दिखाता हूँ रिवर के व्यू, जबरदस्त वाले, बहुत ही जबरदस्त व्यू, बहुत ही जबरदस्त, और पूरा फॉग है यहाँ पे घाटी में। यहाँ पे ट्रैफिक में रुके अपन अभी, यहाँ पे जगह जगह पे काम चालू है रोड्स का, तो करके ना सवेरे काम चालू हो जाता है यहाँ पे। और ये घाटी में के व्यूज, ये रिवर है ना कंटिन्यू अपने साथ में राम नारायण घाट तक आने वाली है कंटिन्यू। Oh,
जैसे तेरा मैं, जैसे मेरा तू, ऐसे तेरा मैं, जैसे मेरा का कंस्ट्रक्शन का काम चलो ऑलमोस्ट अपन पहुंच ही गए अभी यहाँ से जहाँ अपन लास्ट टाइम जब बुटवल से निकले थे यानी सोनोली से निकले थे काठमांडू के लिए, तो जो रेस्टोरेंट पे अपन लास्ट टाइम रात में रुके थे वो रेस्टोरेंट ऐसे 5 किलोमीटर वगैरह होगा अराउंड, तो वही जाते हैं वहाँ चाय वाय पीते हैं। अपन टोटल 200 किलोमीटर के भी ऊपर आ चुके हैं, तो आधा एक घंटा वहाँ पर टाइम पास करते, थोड़ा सा रुकते, वो भैया को भी अच्छा लगेगा, अपने को भी अच्छा लगेगा मिल के। और यहाँ पर देख सकते हो पूरा रोड तहस महस होके पड़ा है। तो फाइनली अपन अभी 4.5 किलोमीटर पहले सोनोली के, तो नेपाल को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है अपना, और यहाँ से अपन जाने वाले हैं अयोध्या। तो वहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है कि चेक कर लेंगे अभी, और वहाँ से सीधा निकलेंगे अयोध्या की तरफ। अयोध्या यहाँ से 200 किलोमीटर है, तो कितना टाइम लगता है अब देखना पड़ेगा अयोध्या जाने के लिए। देखते हैं अभी बॉर्डर का क्या सीन है, तो है ना, बॉर्डर का सीन निपटा के फिर निकलते डायरेक्ट अयोध्या के लिए। राम मंदिर का दर्शन तो करना ही था, मेन वही था अपना, चलते चलो। तो आप देख सकते हो यही ही यहाँ से अभी बॉर्डर स्टार्ट हो गई है, ट्रक्स की लाइन देख सकते हो, ट्रक्स यही पे खड़े थे, खड़े है। और यहाँ से अपने को नेपाल के बॉर्डर से अभी इंडिया की जो बॉर्डर है वो चेक आउट करके चेक इन करना पड़ेगा। हाँ मेरी जान, तो ज़्यादा पब्लिक तो दिख नहीं रही है, हो जाएगा फट से ऐसा लग रहा है मुझे, देखते भी कितना समय लग सकता है जाने के लिए उधर, क्योंकि आते वक्त बैग वगैरह चेक हुआ था हमारा, तो अभी यहाँ पे कैसे प्रोसीजर रहती है क्या रहती है देखना पड़ेगा कि निकलते वक्त भी चेक होता है क्या करके। चलो एक्चुअली वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है करके, आते वक्त भी मैंने वीडियो वहाँ बनाया नहीं। और यहाँ पर जो भंसार का ऑफिस है, राइट हैंड साइड में ही भंसार का ऑफिस है, ये देख सकते हो आप, ये जो दिख रहा है ना राइट हैंड साइड में, ये आगे में तो आगे में जो ऑफिस है यहीं पे भंसार बनता है। और ये है चेक पोस्ट, देख सकते हो आप।
तो यहाँ पे बॉर्डर पे है ना एंट्री करा रहे, शशांक गया अभी वहाँ पे एंट्री कराने, किसी एक का ही करना है, ये देख सकते हो चेक पॉइंट, अपन आ गए इंडिया में अभी, ये देख सकते हो आप भारतीय सीमा शुल्क इंडियन कस्टम्स। तो जो वहाँ पे मिलिट्री मैन जो थे उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे मत रुकिए, आप आगे चले जाइए धीरे धीरे, तो शशांक वहाँ एंट्री कराने गया, वो अकेला ही कर रहा है एंट्री, फिर रिटर्न आ जाएगा, मैं आगे में रुकता हूँ उसके लिए, 5 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, देखिए कितनी बड़ी लाइन लगी है, दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो पूरा आगे तक जाम है।